नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ, और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज। और आज हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, गेस्ट के साथ खास बातचीत, और कुछ ऐसी बातचीत जो कि ग्राम पंचायत से जुड़ी कुछ समस्याओं को लेकर के चर्चा होगी आज। इतना ही नहीं, विभाग से जुड़े हुए कुछ मुद्दे होते हैं, लगातार कई बार चर्चा होती है कि ट्रैक्टर चल रहा है, मजदूरी नहीं मिल पा रही है, आखिर में मनरेगा का काम कैसा चल रहा है। ऊपर का आदेश तो कुछ और रहता है और निचले स्तर पर कुछ और ही होता है। उसके लिए विजिट करने के लिए भी कुछ लोग बनाए गए हैं। हालांकि सरकारी तौर पे अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ अधिकार दिया गया है, ना कि पूरी तरीके से अधिकार दिया गया है, जिसका हनन भी होता है। हनन कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ रकम लेकर के मामला सुलटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अपने अधिकार का गलत फायदा नहीं उठाते। ऐसे ही हमारे साथ कुछ लोग जब चर्चा करते हैं तो कुछ सवाल और जवाब के लिए हमारे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं राधा पांडे और कलावती साकेत जी। नमस्कार। तो बात होगी कुछ आज खास, और वही मुद्दे जो आप लोगों के साथ होता है अब तक। पहले तो कोरोना काल का टाइम जो था उस पर कुछ खास चर्चा हो जाएगी, और ये चीजें चलकर जो आपने बताया मुझे कि हमारे साथ कई बार अभद्रता हो जाती है, अधिकार तो दे दिया गया लेकिन सही तरीके से अगर बात की जाए तो हमें उसका अधिकार वो नहीं मिल पाता जो होना चाहिए। तो मनरेगा से रिलेटेड आप लोग विजिट करती हैं ग्राम पंचायत में, तो राधा जी ये बताइए कि इस विजिट के दौरान क्या विजिट करने जाती है मनरेगा में, और कौन सा पद है आपका, क्या पोस्ट है? हम लोग VSA विलेज सोशल एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट पे हैं। जो दैनिक भोगी, जितने दिन हम काम करेंगे उतने दिन के हमको वेतन मिलेगी, और जब काम नहीं करेंगे तो हमको वेतन नहीं मिलती है। और हमारा जो काम है मनरेगा संबंधित, अगर वो मटेरियल खरीदी करते हैं या जो लेबर पेमेंट करते हैं, स्थल पे जो काम कराए हैं वो वहाँ के ही संपरीक्षा समिति के सदस्यों के साथ देखना। हमारा काम जो वहाँ लोग हैं उनको जागृत करना है, उन्हीं के थ्रू ऑडिट कराना है, तो वो तो संभव हो ही नहीं पाता, क्योंकि जो संपरीक्षा समिति के सदस्य रहते हैं अक्सर उन्हीं के लोग रहते हैं जो उन्हीं के फेवर में बोलते हैं। मतलब जिसने लूटपाट कर डाली उसी के साथ जाके समीक्षा करना है उसका। जी, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही। जी। अच्छा, कलावती जी आपको क्या समस्या आ जाती है इसमें? सर, जैसे मान लीजिए कि मैं निम्न कास्ट से हूँ, मैं साकेत हूँ, तो अगर मैं किसी भी पंचायत में कॉल करती हूँ तो लोग पहले ये सोचते हैं कि जब मेरा नाम पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम कलावती साकेत है, तो उनके मन में जो थोड़ी डर रहता है कि मैं ऑडिट करने जाऊंगी तो उनके मन से निकल जाता है, सोचते हैं बस साकेत है, चमारिन है, करेगी क्या, मेरा क्या कर पाएगी, तो उनके मन से मतलब बिल्कुल निकल जाता है। और ये मेरे मतलब जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके और फिर फायदा उठाते हैं, सोचते हैं कि क्या कर पाएगी। इससे मतलब हम लोगों को मेंटली फोर्स भी किया जाता है, और काम जैसे मान लीजिए हम लोग सोचते हैं कि काम नहीं हुआ है स्थल पे तो दिखाएं, तो वो दिखाते तो हैं लेकिन फिर उसमें दबाव बनाते हैं और अभद्रता भी बहुत करते हैं। हाँ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं, आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94249588। तो अभद्रता मतलब यही, बातचीत स्टार्ट हुआ फिर गाली गलौज होने लगता है तो वो लोग खुद स्टार्ट करते हैं। हम तो किसी दूसरे गांव से जाते हैं, उस गांव के तो लोकल है नहीं, अन्य गांव से जाते हैं, तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनको जाके गालियां देंगे या उनके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। हमें जिस काम से भेजा जाता है हमारे जिला पंचायत से, हम तो उस काम के लिए गए हैं, लेकिन वो लोग खुद ही परेशान करते हैं। कैसे पेमेंट वगैरह मिलती है आप दोनों की इसमें? पेमेंट वगैरह पर डे के हिसाब से मिलती है, जितने दिन हम काम करेंगे उतने दिन की पेमेंट मिलेगी। ऐसा ही होता है जी। तो लगभग पेमेंट क्या रहती है इसकी? 451 रुपए के समथिंग है, 51 या 57, ये 57 और 51 में कंफ्यूज हूँ, लेकिन 400 तो कंफर्म, पहले 421 था, वो बढ़ गया है, बढ़ के आ रहा है, तो 57 रुपए, 457 रुपए पर डे के हिसाब से।
राधे जी, आपने बताया कि हम ग्राम पंचायत में गए, कई बार ऐसा होता है कि सचिव या फिर ग्राम पंचायत के सरपंच या रोजगार सहायक सचिव या अन्य किसी ग्राम पंचायत के, जब उनसे नहीं हो पाता तो कहीं अन्य सचिव जो आके और हमारे साथ गाली गलौज करते हैं। पहले भी आपके द्वारा शिकायत करवाई गई थी इस पर, ये तीसरी शिकायत है। तीसरी शिकायत, तो इस पर मतलब कुछ एक्शन भी देखने को मिलता है क्या? अभी पहले जो था तो 2020 में यह हुआ था, तो बिदुआ में FIR वगैरह हुआ था, वहाँ सचिव पति और दलालों द्वारा हमारे ऊपर हमला करवाया गया था, क्योंकि वहाँ मशीन मनरेगा में आपको भी पता है कि मशीनें लगाना जुर्म की श्रेणी में आती है, और वहाँ मशीनों से ही काम हुआ था, तो वो मुद्दा हमने ग्राम सभा में पब्लिक के कहने पे लिखवा दिया, तो वहाँ पे मारपीट और विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उस टाइम पे राहुल होटे सर थे CEO, तो उन्होंने FIR वगैरह कराई थी। अब इसके आगे मुझे नहीं पता कि केस में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसके बाद मुझे बुलाया नहीं गया। और फिर अभी तत्कालिक में इस बार जो हमारी ऑडिट हुई उसमें हम अभी खिरखोरी ग्राम पंचायत में गए थे, सरपंच बत्ती बोले कि मैं खुद का कलेक्टर हूँ, मैं मेरे सामने किसी कलेक्टर की नहीं चलती और मैं BJP नेता हूँ, तो इसलिए मेरे ही लिखे सारे काम फरमान जारी होते हैं, दो कौड़ी के भी ऐसे तुम्हारी क्या औकात है। ऐसी कंडीशंस पे आप लोगों का क्या रहता है, क्या जवाब दे पाती है? हीन भावना जैसे महसूस नहीं होती कि मतलब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम शायद कुछ अधिकारी होते तो इनको जवाब दे पाते, या फिर ये एक सरपंच जो कि ग्राम पंचायत के प्रधान है, इतना लूटने के बावजूद भी इनकी ऐसी हिमाकत देखने को मिलती है? विभागीय कार्रवाई होने पर एक्चुअली क्या है कि सरपंच पति विभाग से भी मैंने कंप्लेन की थी, तो अशोक शुक्ला थे उस टाइम पे जिला नोडल अधिकारी, मैं व्यक्तिगत गई थी, ये भी गई थी, तो उन्होंने बोला कि सेक्रेटरी होता GRS होता तो मैं उसको पनिश करता, सरपंच पति को क्या पनिशमेंट दूं, तो वहां से तो ये जवाब आया था मुझे। तो सरपंच पति को ही तो दंडित किया जा सकता है जिस तरीके से, भाई वो सरपंच पति होने के बाद ही तो आके ऐसी धमकियां दे रहा है। हाँ, अगर उसकी औकात नहीं होती तो क्या वो ऐसी धमकी देता? वो बोले मैं कलेक्टर हूँ। नहीं, यहाँ तो CM भी बन जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, एक विद्यालय में मैं भ्रमण करने गया था, वहां पर जब मैं गया था तो ये चीजें चलकर सामने आई थी कि मैं ही CM, मैं ही PM, मैं ही कलेक्टर, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे साथ भी ऐसी अभद्रता हुई थी। उस पर मैं चाहता तो कंप्लेंट कर सकता था और रिपोर्ट भी लिखा सकता था कि मेरे साथ अभद्रता हुई, लेकिन पर्सनल में कभी किसी के साथ बोलता नहीं। मुझे ये लगता है कि आप जिस औकात के आप हो उस औकात के हम नहीं, या फिर जिस औकात की बात अगर करें कि हम हैं वो आप नहीं हो, ये चीजें होती है ना, कि अगर झगड़ा भी करना हो तो एक समानता होनी चाहिए। अगर समानता नहीं होती है तो मतलब या तो आप अपना शीशा लेदर करना चाहते हैं या हमारा करना चाहते हैं, ये चीजें होती हैं। और जब आपस में अगर एक समान जब टकराते हैं तब मजा आता है लड़ने में भी, ये चीजें होती हैं। तो ये एक अतीत शिक्षक के द्वारा हमारे साथ ऐसा हुआ था, उस टाइम पर भी मेरे जो एडवोकेट सलाहकार हैं उन्होंने कहा था कि इस पर जो है ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आपके द्वारा वीडियो भी बनाया गया, तो इस पर चाहे तो आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं। हमने कहा नहीं, व्यक्तिगत मैं कुछ लेना नहीं चाहता कि व्यक्तिगत कोई हम विवाद चाहे किसी से। तो ऐसी कंडीशंस पे ये होता है, एक गलत फायदा उठा लेते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, तो इस बात को आपने रखा नहीं था कि ऐसी चीजें हुई हमारे साथ? बता तो रहे हैं हमारे, देखिए क्योंकि हम कलेक्टर के आदेश से जाते हैं और उस आदेश से बंधे हुए होते हैं, अपनी मर्जी से हम विभागीय काम में तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे तात्कालिक हमारे अशोक शुक्ला सर जिला नोडल अधिकारी, मनरेगा जिला नोडल अधिकारी थे, मैं गई थी, मेरी साथी गई थी, मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारे साथ आए दिन ऐसा हो रहा है, तो प्लीज सर कुछ हम लोगों को या तो आप हेल्प प्रोवाइड करिए, इतना अधिकार दिलवाइए कि हम इनसे लड़ सके, या फिर हमारा सहयोग। तो सर का एक ही जवाब था, सर सेक्रेटरी होता GRS होता तो हम करते, और सरपंच पति को हम क्या कर सकते हैं, सरपंच हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता। अब सरपंच पति, अब सरपंच पति थे वहां पे, तो और देखिए ये जो मनरेगा डिपार्टमेंट है इसमें 80% पति पत्नियां पोस्ट में रहती हैं और पति फायदा उठाते हैं, पति काम सरपंच पति रहते हैं या सेक्रेटरी पति रहते हैं या GRS पति रहते हैं। जो आदेश आया था अभी कुछ दिन पहले फर्स्ट में, जब अभी चुनाव हुआ था, चुनाव के दौरान ही आया था कि जैसे जिला पंचायत सदस्य अगर कोई महिला है तो उसका पति कुर्सी पे नहीं बैठेगा, अगर कोई पत्नी है तो सरपंच, तो फिर उसका सरपंच पति वहां आसपास नहीं रहेगा,
हाँ ठीक है, आप लेकर आए हो कार्यालय तो आप कार्यालय पहुंचाओ और चले जाओ, ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिल रहा है। तो पत्नी सरपंच है और पति देव ही, मुझे एक पंचायत मिली थी करवाही, जहाँ मुझे एक श्योरिटी में सरपंच लेडीज थी और वो काम भी कर रही थी, एक पंचायत मॉडल के रूप में। मैं 2017 से पोस्ट काम कर रही हूँ, एक पंचायत करवाही मिली थी जहाँ वास्तविकता में एक सरपंच मिली थी, महिला सरपंच। बाकी इसके बाद तो पति देव ही लोग करते हैं डील, सिग्नेचर मोहरा बना देते हैं महिलाओं, सिग्नेचर भी कर लेते हैं अपने से, सिग्नेचर भी कर लेते हैं, भले उनकी पत्नी सरपंच है वो सील लिए रहते हैं, अगर वो नहीं आए हैं तो वो साइन भी कर लेते हैं। और फर्जी सिग्नेचर चल जाता है? बिल्कुल चलता ही होगा, तभी तो करते हैं, ना चलता होता तो क्यों करते। मतलब अधिकारी आंख बंद करके जो काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो वही लोग ना पास करते होंगे। अच्छा आप लोग ये बताइए कि आज तक आप मौके या वारदात पर ऐसा कभी हुआ कि आप पहुंची हो और बुलडोजर चल रहा हो? अभी तक तो देखिए हम लोगों को कंक्रीट ऑडिट, ये जो वर्क है ये कंक्रीट ऑडिट का आप सवाल कर रहे हैं, तो कोविड टाइम पे कंक्रीट ऑडिट हमने किया था, तो उस टाइम पे तो देखिए मिक्सर मशीनें तो वो बिल वगैरह भी लगाते हैं। नहीं जेसीबी की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए कि खुदाई चालू है, हमारी पंचायतों में देखिए अभी व्यक्तिगत तो नहीं मिली पर पब्लिक से अक्सर शिकायत मिलती है, देखा नहीं मैंने, मतलब ड्यूटी के दौरान नहीं देखा, ड्यूटी के बाद तो अक्सर चलती है। अच्छा अगर बात की जाए तो मजदूर कभी आपके सामने आते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही और यहाँ मैं अगर हूँ तो मुझे मजदूरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा? आते तो हैं, मतलब 100 में 10% लोग आते हैं कि हम मैडम हम भूखे मर रहे हैं, जैसे आदिवासी अंचल है, आप इधर चले जाइए हड़बड़ो साइड और इधर कुसमी अंचल में, इधर मिलते हैं जहाँ आदिवासी बस्ती ज्यादा है, लखी है आपका तिगवा हो गया, इधर उनको मजदूरी की जरूरत है क्योंकि उनके आसपास शहर नहीं है, शहर नहीं आ सकते, तो इधर के एरिया में मिलता है, जब अपन को इधर साइड एरिया मिलता है तो इधर मिलता है, पर इधर तो मजदूर मजदूरी करना भी नहीं चाहते। कभी रिश्वत की भी बात करते होंगे कि ले लो छोड़ो जो भी है जैसा भी, ले लेती है कि नहीं? अब देखिए ले लेते तो क्या लट बजता हमारे ऊपर, जब ले लिए होते तो क्या विवाद होता, क्या आपके पास तक मुझे आना पड़ता। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद कम मिल रहा है इसलिए नहीं लेंगे, थोड़ा और बढ़ाओ तो ले लेंगे। देखिए मैं आपके यहाँ तरंग न्यूज के हेड ऑफिस में हूँ और पूर्व में मैंने जिन पंचायतों में ऑडिट किया कॉल करके पूछ सकते हैं, मुझे 100% अपने काम पे और अपने सत्यता पे उम्मीद है कि वो मुझे गाली दे के ही बात करेंगे, अच्छा तो नहीं कहेंगे। तो ये बताइए कि अगर 451 रुपए आपकी सैलरी पर आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं तो सरकार कलेक्टर को, एसपी को या फिर अन्य जो भी पदाधिकारी हैं जैसे जिला पंचायत सीईओ हो गए, उनको अगर लाखों रुपए दे रही सैलरी, उनकी जो तनख्वाह की बात हो 70-80 हजार रुपए उनकी तनख्वाह होती है, तो अगर 12 हजार में आप अपना परिवार चला सकते हैं तो उनको तो कई फैसिलिटीज भी मिलती है, अथॉरिटीज मिलती है कि वो उस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो ईमानदार क्यों नहीं होते? ऐसे क्या रहता है कि उनको रिश्वत लेना ही अच्छा लगता है फिर? अब देखिए मैंने अपने हाथ से तो उनको लेते देखा नहीं, इसलिए मैं नहीं, ये बातें चलकर आती हैं कि कलेक्टर साहब ये काम नहीं कर रहे हैं, फिर ये भी है कि जब उनके पास आप फाइल लेके जा रहे हैं फिर भी अगर उस पर एक्शन नहीं हो रहा तो सवाल तो उठता है कि क्यों नहीं हो रहा। अब ये तो उनका वही जाने, हम क्या कह सकते हैं, देखिए हमारा स्तर भी तो इतना ऊपर नहीं है कि उतने हाई लेवल पे जाके हम उनसे ये पूछ सके, ना तो हमको इतना अधिकार है, ना आम पब्लिक होने के नाते अधिकार है, ना एज बीएससी होने के नाते अधिकार है। आप क्या कहती हैं इस बारे में आप? अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94-24-59-88-78। आपकी क्या राय है? मेरी भी यही राय है कि हम तो इतने पोस्ट पे भी नहीं है बड़े कि हम उनसे सवाल जवाब कर सकें कि आप क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो करने का सबको अधिकार है। पोस्ट की बात कहाँ हुई, आप तो मतलब हम ही हैं, आप ही हैं जो सवाल कर सकते हैं, पढ़ा लिखा समाज ही सवाल करेगा। है अधिकार, लेकिन हम
ये नहीं कर सकते उनसे सवाल कि आप क्यों ऐसा काम नहीं करते हैं, क्यों रिश्वत लेते हैं। हाँ, और नहीं, हम रिश्वत की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। रिश्वत तो मान लीजिए वो लेंगे नहीं लेंगे, वो तो ऊपर वाला भी बैठा है देखेगा ही, लेकिन काम अगर नहीं होता, जैसे हमने आपने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट अगर करेक्ट है, आपको लगता है कि हमने सही तरीके से रिपोर्ट बनाई है, और उस पर अगर एक्शन ना हो तो क्या वजह मानेंगे? एक्चुअली क्या है कि कभी कभी जो वरिष्ठ अधिकारी हमारे होते हैं ये मिसगाइड भी कर देते हैं। अक्सर पंचायत के जो कर्मचारी हैं, हमारी जो रिपोर्ट कार्ड होती है, जैसे सूचना पटल, हमारे यहाँ मस्ट माना गया है कि सूचना बोर्ड की रिकवरी 3200 से 3500 की होती है, हम लेके आते हैं। अगर यहाँ से विभाग उनको नोटिस जारी करता है तो अपने बचाव के लिए तत्काल सूचना बोर्ड बनवा भी देते हैं। ऐसे कई केस हमारे सामने हैं, हम लेके आए, वो कहते भी हैं कि तुम लेके जाओ, तुम मैनेज नहीं करोगे, तुम लेके जाओ सूचना बोर्ड की रिकवरी, तुम कोई तुम्हारा आएगा बड़ा बड़ा अधिकारी, तुम सूचना बोर्ड बनवा लेंगे, पुनः खड़ा कर देते हैं बोर्ड, तो मतलब दोबारा से फिर से रिपोर्ट बनेगी, तो मतलब आपकी रिपोर्ट को फेल कर देंगे। अब जब रिपोर्ट बनेगी तो पता नहीं कि वैसे ही आएगी कि फिर गलत आएगी, लेकिन सही तरीके से जांच हो तो वही आएगी शायद। भौतिक में हमने नहीं देखा, और अगर हमने रिपोर्ट लेके गया, जमा कर दिया, उनको पता चला कि नहीं मतलब बोर्ड नहीं बना था, तो हमारे जाने के बाद वो लाके बोर्ड खड़ा कर देंगे। हमारे साथ महाराजपुर में ऐसा ही हुआ था, मैंने उनको बोला भैया आपने बोर्ड नहीं बनवाया, सिंह साहब थे सेक्रेटरी, तो उन्होंने बोला मैडम अपना लिख पढ़े ले, लिख पढ़े को होता नहीं था, जब जांच में ही अधिकारी था हम बोर्ड बनवा ले। अच्छा एक सवाल और हमारा, आप लोग चूंकि लगातार प्रयास करती हैं और इतना प्रयास करने के बाद हार जाती हैं, कभी कभी महसूस करती हैं कि मैं कर तो रही हूं लेकिन नहीं कर पा रही हूं, ऊपर से लोग अभद्रता करते हैं, एक महिला के साथ अभद्रता वैसे भी मतलब एक अपमान महसूस होता है इससे, तो वो अपमान करने के बाद अपने आपको क्या लगता है कि राजा समझते होंगे कि अरे हमने इसको कह दिया तो ये चली गई, और आप हार जाती हैं कि आपके अंदर ये रहता है कि अरे फिर से मैं कुछ कर सकती हूँ, या फिर आपके अंदर ये रहता है कि मैं शिकायत करूंगी तो मैं मुझे न्याय मिल जाएगा, क्या अपेक्षा करती है यहाँ पे? देखिए हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, और महिलाओं को हमेशा कल की ज्योति चाहे घर में हो या बाहर हो कल की ज्योति ही माना गया है, पर मुझे न्यायपालिका पे भरोसा रहता है। लेकिन आज हमारी जो भारत की राष्ट्रपति है वो महिला है, प्रथम नागरिक जिनकी गिनती होती है, आप गलत कह रही हैं। नहीं अभी जो हमारा देखिए वो हमारा पैर की जूती अगर होती तो वो राष्ट्रपति नहीं होती। नहीं, आज मैं मानती हूँ, लेकिन मानसिकता को मैं बता रही हूँ, जो सोच है हमारे यहाँ की पुरुष प्रधान समाज की जो सोच है। बाकी जो आप सवाल कर रहे हैं कि आप हार जाती हैं, तो हारती तो मैं भी नहीं हूँ, वहां से लड़के आते, वहां वो लड़ते हैं, रोती हूँ फिर भी रोके भी नहीं हारती, क्योंकि न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं जीवित है, महसूस होता है कि शायद कुछ न्याय मिलेगा। हाँ, क्योंकि आईएएस जो होते हैं तो मुझे 99% उन पे भरोसा होता है, क्योंकि वो झूठ का साथ नहीं देते, सपोर्ट करते हैं। जी मेरे साथ दो बार ऐसा केस हुआ। राहुल धोटे को लेकर के बड़ी शिकायतें आई थी कि राहुल धोटे ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते, यहाँ तक कि कई बार हमने भी उनको अगर सवाल करने की कोशिश की तो भागते ही नजर आते थे, कई बार तो उन्होंने कैमरा ठेल दिया कि जाओ हो गया, मैं नहीं दूंगा जवाब तो क्या कर लोगे। ग्राम पंचायत के जो भ्रष्टाचार रहे राहुल धोटे के जमाने पे अलग ही चरम सीमा पर रहा करते थे, किसी को जवाब नहीं देते थे, कोई एक्शन देखने को नहीं मिलता। अभी अगर आईएएस की बात आपने किया तो जिला कलेक्टर इस टाइम पर जो है जब से आए हैं ऐसा लगता है कि जैसे कोई समाधि नहीं ले लेता है कि हम कुछ नहीं करेंगे और बस शांति बस मौन व्रत चलता है। जब से कलेक्टर साहब आए हैं तब से इनका कोई स्टेटमेंट ही नहीं आता, कोई मीडिया वाला सवाल करने चला जाए तो कभी इनका माइक लगा के आपने देखा ही नहीं होगा किसी चैनल पे कि ये आ जाए, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। मतलब अब जो रविंद्र चौधरी के बाद की जो बात कर रहा हूं मैं कि जब से रविंद्र चौधरी जी गए उसके बाद से जितने कलेक्टर आ रहे हैं इनकी कलेक्टरी पर ऐसा कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता, कोई इनके मुंह से जवाब ही नहीं निकलता। मैं खुद कई बार देखा कि पत्रकारों से भी बचने का कोशिश करते हैं, चैम्बर में घुसने नहीं देते, इनको ये रहता है कि अगर आप आए हो तो ऐसे ही बात कर लो, कैमरा वैमरा मत चालू करना, कोई सवाल हमसे ना करो, ऐसे जो भी शिकायत तो बता दीजिए, एक डायरी लेते हैं वहीं पे लिख देते हैं कि ये फलाना पत्रकार आया था इसने ऐसा सवाल किया है, ऐसा लगता है कि हमारा नाम लिखा जा रहा है कि अगला ये जाएगा तो इसको कूट देना वहीं, ये महसूस होता है। देखिए अभिषेक सिंह एक बार ही आए थे और आप भी जानते हैं 99% कलेक्टर एक बार ही जिले में आते हैं। नहीं वो तो एक एक बार उनका नियम ही है, गाइडलाइन से एक बार ही आते हैं, तो अब हम सबसे उम्मीद करेंगे कि कलेक्टर अभिषेक सिंह आ जाए तो संभव नहीं है, पर हो सकता है कि अपनी अपनी कार्य प्रणाली है, उनके कार्य करने का तरीका सोशल मीडिया का रहा हो, ये जो अभी आ रहे हैं वो सोशल मीडिया में ना आना चाह रहे हो। बाकी राहुल धोटे सर की अगर व्यक्तिगत आप बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि वो
कैसे थे, लेकिन मेरे साथ उन्होंने न्याय मुझे दिलाया था, न्याय की लड़ाई मेरे साथ लड़े थे, तो मैं मानती हूँ कि सही ऐसा। लेकिन भ्रष्टाचार तो देखिए बढ़ता ही जा रहा है। देखिए भैया, कोई भी आता है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, कोई अधिकारी आता है, रोक कौन रहा है? कोई अधिकारी रोक तो नहीं रहे हैं। अच्छा, जब ये उसने कहा कि हम भाजपा के ये हैं, कुछ आपने बताया ना क्या बोला उसने? सरपंच पति थे खिरखोरी के, बोले कि मैं भाजपा का नेता हूँ और मैं कलेक्टर, खुद का कलेक्टर हूँ और मेरे ही लिखे सारे काम पारित होते हैं। तो जवाब में हमने दिया था कि कौन सा ग्राम पंचायत? खिरखोरी ग्राम पंचायत, सरपंच पति। तो पलट के हम, नाम क्या है उनका? नाम तो मुझे नहीं पता सरपंच का क्या नाम था, इतनी सारी पंचायतें मिलती हैं। चलिए छोड़िए, हम ढूंढ लेंगे नाम उनका क्या है। तो सरपंच पति से हमारा कोई इतना ज्यादा वास्ता नहीं, सामने से वो आके आप यार मुझे मार वाला हाल करते हैं तो क्या करें। तो हमने उनको जवाब में दिया था कि जिले में कलेक्टर एक ही होता है जो आईएएस करके आता है, नेता कलेक्टर नहीं बनते, कलेक्टर नेता बन सकते हैं। मेरा जवाब उनको यही था। ये भी सही है, आपका कहना भी जायज था। अच्छा, तो अब ये बताइए कि इस पर कुछ एक्शन देखने को मिला? आपने बताया उनको शिकायत जब किया, तो क्या नहीं रहेगा? जब हमारे नोडल अधिकारी अशोक शुक्ला सर थे, हमने 9/10/2024 को दिया था आवेदन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी क्योंकि हमने नोडल अधिकारी को दिया था पूर्व में। अभी जब हमारे साथ यहाँ धुम्मा में डिहली जीआरएस के थ्रू वाद विवाद की स्थिति, गाली गलौज की स्थिति हुई, तो 8 तारीख को शाम के टाइम हुआ था तो कार्यालय पर। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा। आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए, आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94-24-59-88-78। बंद होने की स्थिति पे था, हम लोगों को आते आते रात हो गई थी। मंडे को जब कार्यालय खुला 11 तारीख को, तो हम 10:30 बजे सीओ गए, तो सीओ सर बैठे हुए थे, 10:30 बज रहे थे। सीओ सर से मिले तो सीओ सर ने पूछा हमसे, चूंकि पूर्व आवेदन के फोटो जो पावती होती है वो हम लिए थे, सीओ सर को हमने बताया कि सर पूर्व में हमारे साथ कृत्य हुआ था जिसपे एक्शन नहीं लिया गया, ये दोबारा दोहर गया। तो सीओ सर ने पेशी कराई थी जिसमें धुम्मा जीआरएस और डिवली जीआरएस तो आए, लेकिन वहां से कोई नहीं आया, खिरखोरी से कोई नहीं कोई। अब तो विभागी ही जाने, क्योंकि उनको भी पनिश किया था सर ने, जो डिवली वाले जीआरएस थे, क्या नाम था उनका, प्रमोद पटेल, बहुत अभद्रता, गाली गलौज, जाति सूचक। और जबकि इससे पूर्व मैंने डिवली जीआरएस को मैंने या इन्होंने नहीं देखा था, हमारा कोई वास्ता नहीं था, आके बात बात के गाली गलौज की। एक तो गलत करेंगे, फिर ऊपर से अभद्रता करते हैं। बोले दो कौड़ी की भी ऐसे तुम्हारी क्या औकात थोड़ी। मैं बोली की बात तो ठीक ही कर रहे हैं, हमारी औकात क्या है भाई, 30-40 दिन काम करते हैं उतने का ही भुगतान होता है, इसके बाद तो हम हाउस वाइफ हैं, रोटी बनाएंगे, पति बच्चे को खिलाएंगे, इसके आगे हमारा कुछ है ही नहीं। बहुत परेशान हुई थी, रोई भी थी, पर सीओ सर से के न्याय की उम्मीद थी। और उन्होंने कल, अभी तो विभागी कोई लेटर जारी नहीं हुआ है, पर वहां पे सीओ सर ने आदेश दिया है स्थापना को, देखिए कितने दिन में आदेश जारी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि समस्याएं जो है इंसान मतलब टूटने भी लगता है, महसूस करता है। वैसे आपको लेकर के अगर बात की जाए तो आपने पहले ही कहा कि जातिवाद करते हैं हमारे साथ। बहुत ज्यादा करते हैं जातिवाद, जातिवाद तो बहुत ज्यादा करते हैं, जातिवाद की वजह से तो सोचते हमेशा फोर्स करना शुरू कर देते हैं, और जातिवाद की वजह से तो अभद्रता करते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि ये क्या कर लेंगे। हाँ, उनको यही, उनके मन में यही भ्रम रहता है कि ये हमारा क्या कर लेंगी, इस कास्ट से हैं तो ये हमारा क्या करेंगी, हम तो बड़े कास्ट। जातिवाद को क्या समझती हैं? जातिवाद मतलब क्या था? जैसे पहले जो था जातिवाद,
तो ये होता था ना कि छुआ छूत की बीमारी भी हो जाती थी लोगों के मन में, यहाँ ये साकेत है, अब नहीं छुएंगे। नहीं, इनको तो छुआ छूत की बीमारी प्रेजेंट टाइम पे नहीं है, लेकिन इनको फोर्स करने और दबाने की बीमारी बहुत ज्यादा है। मतलब इनको फोर्स करने की दबाने की बीमारी ज्यादा है, छुआ छूत वाली नहीं है। छुआ छूत वाली तो शायद 10% होगी, बाकी 90% तो दबाने की ही बीमारी है इनको, फोर्स करने की। मतलब इनको ये लग रहा है कि हम दबा के रखेंगे, सामने वाला उछलेगा नहीं। उछलेगा नहीं, वो ये सोचते हैं कि ये इस कास्ट से हैं, तो निम्न कास्ट से हैं, तो ये शायद ना उछल पाएंगे, ये क्या कर पाएंगे हमारा, उनके मन में हमेशा ये। इनके पास का मतलब सेंस नहीं, जैसे पहले के जो आदिवासी एसटीएससी ओबीसी रहते थे, कम पढ़े लिखे रहते थे, उनको ज्यादा पढ़ाई लिखाई से इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब तो हर कास्ट के लोग पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि पहले भी जो ये जाति धर्म ये जो हुआ करते रहे, आज भी वही चीजें हैं, कल भी वही चीजें थी। फर्क इतना था कि कल देखिए जैसे साकेत का काम था चमड़ा का काम, तो उनको चमार कहने लगे, लोहार का काम मतलब लोहे वाला जो काम करता था तो लोहार कहने लगे, लकड़ी का काम करने लगे तो बढ़ई कहने लगे, पंडित का काम करने वाला पंडिताई यानी जो करता था उसको पंडित कहने लगे, छत्री यानी कि जंग लड़ते थे थोड़ा सा तो ये छत्री कहने लगे, बस इतना सा ही था। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब विशेष की किसी का छुआ छूत का मामला था, कुछ दरिद्रता हुआ करती थी जिसको लेकर के आपस में मनभेद पैदा हुआ करता था। मेरे अनुरूप मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जैसे चमड़ा का काम यानी कि गाय काटना भैंस काटना ये चमड़ा निकालना, ये एक मृत गाय का होता था, मृत भैंस का हुआ करता था, कोई भी चमड़ा उद्योग, तो इससे ये हुआ था, ये होता था कि दरिद्रता माना जाता था कि भाई अगर कोई पंडित है तो कहता था कि मुझे मत छूना ये सारी चीजें। लेकिन वहीं अगर कोई IAS बना, IPS बना, कोई पुलिस अधिकारी बना हो, तब अगर कोई साकेत हो तो उससे कोई छुआछूत नहीं करता था। आपने देखा कभी ऐसा कि कोई अधिकारी आया हो तो उसको कुर्सी पे ना बैठाएं, जमीन पे बैठा दें कि नहीं तू जमीन पे बैठ? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा। नहीं ना, यहाँ पर सिर्फ दरिद्रता ही जातिवाद थी, दरिद्रता ही। जैसे आज हमारे सामने आपने आपके सामने हम, लेकिन अगर वहीं अगर देखा जाए कि एक दरिद्रता अगर रूप होता आपका और हम बिल्कुल साफ सुथरे अगर हैं तो हम भी आपको करीब नहीं आने देते, अरे कौन इसके करीब जाए, चलो छोड़ो साइड हो साइड, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। ये मतलब मेरे मन की बात नहीं है, आपके भी मन की बात है कि अगर ये चीजें आपके साथ होती, अभी आप फ्रेश होके कहीं जा रही हैं, कोई अच्छा कीचड़ से निकल के आ जाए तो इंसान उसे क्या करेगा? नहीं जाएंगे उसके पास। वही ये चीजें हुआ करती थी, जातिवाद की जो बात होती। लेकिन हाँ, मानसिक रूप से वाकई पर जाति को बहुत प्रताड़ना सहना पड़ा। जैसे मान लीजिए कि राधा दीदी हैं, आप पंडित हैं, ब्राह्मण है, तो ये हुआ करता था कि इनको कुर्सी पे बैठाना और कोई अन्य कास्ट आ जाए तो उसको कुर्सी नहीं देना। इससे सामने वाला एक हीन महसूस करता था, उसको ये लगता था कि मतलब या पंडित और ठाकुर आए या कुर्सी पर बैठा है और हमका जो है तो जमीन पर बैठा रहा है। ये भेदभाव जरूर नहीं करना चाहिए था, ये भेदभाव बेहद बुरा था, जिससे कि हमसे उम्र में जो बड़े हुआ करते थे, छोटे की तो बात छोड़िए, हमारे घर में भी जो हमसे छोटा होता है वो जमीन पर बैठ जाता है कुर्सी पे, लेकिन जो बात होती है उम्र दराज या उम्र से बड़े, तो वहां पे ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी, जिसके चलते आज सब झेलना पड़ रहा है जो आप कह रही हैं। तो आज भी आप ये महसूस करती हैं जातिवाद को लेकर के? बिल्कुल, जातिवाद से तो यही सब किया जाता है। ये आज भी महसूस कर रही हैं, दबाव डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, तो इसका कैसे निराकरण किया जा सकता है आप ये भी बताएं। हाँ, इसका निराकरण हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, तो अगर जिस विभाग से रिलेटिव जातिवाद पर मतलब आरोप और अभद्रता की जाती है, तो वही लोग उनको मतलब जो है तो वो पनिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिन्होंने मेरे साथ अभद्रता की, तो उनको वही लोग पनिश कर सकते हैं। मैं तो शिकायत कंप्लेन करूंगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अधिकारी भी आपके साथ ऐसा कुछ समझते हैं कि सिर्फ वही? नहीं, अधिकारी तो ऐसा नहीं किए हैं, बस वही लोग करते हैं। अधिकारी नहीं मानते? नहीं, अधिकारी नहीं मानते हैं। तो अभी हाल ही में जो आप लोगों के साथ जो हुआ, जो अभद्रता हुआ, गाली गलौच हुई या जाति सूचक शब्द बोला आपको, पंडिताइन बोले आपको, चमारिन बोले, लोग हमारे ऊपर बोलेंगे कि ये भी गाली दे रहा है बोलने से, तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा था कि इसका कुछ निराकरण हुआ क्या, जो कार्यवाही की गई उससे आप संतुष्ट हैं कि ये
परिणाम कुछ देखने को मिला इसका? अभी तो नहीं मिला है। अभी नहीं मिला, पर दीदी ने कहा कि मिलेगा। देखिए विभागीय अभी कोई लेटर उनको जारी नहीं हुआ है। सीओ सर ने वहाँ तात्कालिक रूप से आवक जावक विस्थापना से नामदेव सर थे उनको बुला के हमारे जो सर ने लिखा था हमारे आवेदन पे ही पीछे सर ने लिखा था, अलग से कोई नोटशीट नहीं थी तो, और एक नोटशीट उनके पास भी थी तो उसमें अभी विभागीय कोई लेटर उसके लिए जारी नहीं हुआ है। पर मौखिक रूप से जो सर ने बोला था कि मतलब तुम अभद्रता करते हो, क्योंकि सर के सामने भी थोड़ा बहुत गुंडागर्दी में आ गया था ये चीजें, तो अभी विभागीय लेटर जारी नहीं हुआ है। तो मतलब अभी आप संतुष्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो होना चाहिए। 24 घंटे अगर कार्यवाही अगर नहीं होती है तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि अगला किसी का हौसला मजबूत होगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जिला स्तर पे नहीं होगी तो संभाग स्तर है, भोपाल स्तर, हारूंगी तो नहीं क्योंकि गलत हूं। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि अगर इस पर कार्यवाही नहीं होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम हार रहे हैं, अंदर से टूटते हैं इससे। उनका और वो तो बोलते हैं ना कि जनपद में हमारे ही बैठे हैं, तुम कर लो क्या लोगी। कभी जो जिला जनपद अध्यक्ष है धर्मेंद्र परिहार, आपने उनसे कभी बात करने की कोशिश की? बेदुआ कांड में चाय पे बुलाए थे वो मुझे, तो मैं गई नहीं। हाँ। चाय पे चर्चा करना चाह रहे थे, डायरेक्टली उनका कॉल मुझे नहीं आया था। हाँ। किसी के थ्रू आया था जो जब भी इसमें, तब भी धर्मेंद्र परिहार ही थे शायद, उस टाइम पे भी जिलाध्यक्ष वही थे वो, तो किसी के थ्रू बुलवाया गया था चाय पे चर्चा के लिए। मैं बोली मैं चाय पे चर्चा नहीं करती क्योंकि मैं प्रताड़ित हूँ, और कोई चूंकि जो विधवा वाले थे तो अब ये डायरेक्ट वो भी नहीं कह सकते थे कि आइए मुझे इस पे चर्चा करना है, तो उन्होंने चाय का रूप दे दिया कि आइए चाय पे चर्चा करेंगे। अब देखिए कोई अगर गाली खा के आया है तो उसे ये कहे कि आइए गाली पे बात करेंगे तो कैसे हो? मेरे को डायरेक्ट उनका कोई कॉल मैसेज नहीं आया था, किसी के थ्रू ही था। तो एक बार उनसे मिलना चाहिए था आपको कि ये बताइए जहाँ से मुझे अंधेरा ही दिख रहा है, जो उनके रिश्तेदार थे उनके ही, तो क्या वो मेरे पक्ष को लेके अगर होते तो जो राजीव मिश्रा सर थे जो साक्ष्य उनको इकट्ठे, राजीव मिश्रा सर सारे साक्ष्य उनको दे रहे थे अपना मान के कि हमारे अधिकारी हैं वो न्याय दिलाएंगे, तो सीओ सर पंचायत में लीक कर रहे थे। पर आपने अभी राहुल टूटे सर को बोला था कि उनके टाइम पे, फिर मैं लास्ट टाइम बहुत रोई थी, बहुत परेशान भी हुई थी, और हो सकता है उस टाइम पे मेरे मुंह से अभद्र शब्द भी निकल आए थे, पर उनके सहनशीलता को भी मैं मानती हूँ और कार्रवाई करने के तरीकों को भी मानती हूँ। कभी आपने कहा कि रुक मैं तुझे बताऊंगी तू मेरे साथ अभद्रता कर रहा है, तो ऐसा कभी आपने बोला? देखिए पहले से तो क्या है कि पहले कोई उंगली नहीं करता, बाद में कोई बर्दाश्त ना आप रवि भैया कर सकते। आपने कभी कहा कि रुक मैं तुझे बताऊंगी तो मेरे साथ? उसने बोला था कि बीएसए के क्या औकात तेरे, तुम्हें नौकरी खा जाऊंगी। तो मैंने उसको इतना जरूर पलट के बोला था कि मैं नौकरी अपनी योग्यता और मेहनत से पाई हूँ, अपने डिग्रियों के आधार पे पाई हूँ, लिखित में एग्जाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो तुम में हिम्मत होगी तो तुम ले लेना, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी नौकरी ले पाओगे क्योंकि योग्यता की नौकरी है, कोई भीख की नौकरी नहीं है। ये गजब की बात है, क्या कहना है आपका इसमें? सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, भीख मांग के थोड़ी ना भैया से बने हैं, अपनी योग्यता से बने हैं भाई, पेपर दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, लिखित परीक्षा दिए, फिर इंटरव्यू दिए, इसके बाद भी ऐसे बने हैं, योग्य है तब तो बने, नहीं तो हम लोगों जैसे तो कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिखे भी घूम रहे हैं। 300 लोग थे, 300 में हम क्यों 93 लोग आ गए? 300 लोग पहले काम कर रहे थे। मैं भले साकेत कास्ट से बिलोंग करती हूँ लेकिन पढ़ाई और योग्यता से तो मैं निम्न जगह से नहीं हूँ ना, तो फिर लोग योग्यता पे नहीं जाते, हमेशा जातिवाद पे ही चले जाते हैं। देखिए मैं भी ये चीज मानता हूँ कि कभी भी कोई भी चीजें हो, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई अधिकारी बन गया और कई टैलेंट कभी किसी भी जात या कास्ट या धर्म देख के किसी के अंदर नहीं आता। टैलेंट जो होता है किसी चेहरे का मोहताज भी नहीं होता। अब टैलेंट की बात किया जाए तो मिनी अग्रवाल को देख लीजिए। हाँ। उनके अंदर टैलेंट था तो आज वो यहाँ की जो है, अभी कल जो आगजनी का हुआ है तो मैडम 3 बजे से गई हैं, तो अभी मैं 10:30 बजे मम्मी को छोड़ने गई थी, तो अभी ना तो रूम पे गई है ना ऑफिस गई है, बड़ी उठी हूँ, लगातार डटी हुई है। मैं ये कहती हूँ कि जित अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत,
कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94249588। जितने भी कास्ट और जितने भी वर्ग के लोग हैं, जितने भी, तो क्या अगर उनके शरीर में कोई अन्य कलर का ब्लड है, सबके शरीर में तो रेड कलर का ही होगा ना, फिर क्यों ऐसा करते हैं? नाना पाटेकर ने भी बताया लेकिन किसी को समझ में नहीं आया था। कुछ चीजें होती है कि, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि इंटरकास्ट मैरिज जो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा विवाह आपसे हो जाए तो यहाँ पे ये हो जाएगा ना, आपसे मतलब जाति से मतलब है, विशेष आपसे नहीं है, आपका हो चुका है ऐसा नहीं है, मतलब आपके समाज से मतलब है कि अगर आपसे हो जाए और आपका जो रिश्ता है अगर हमारे साथ हो, शादी अगर हमारे साथ हो जाए, तो ऐसे में कहा जाता है कि जातिवाद खत्म हो जाएगा। क्या लगता है आपको, सच में ऐसे में जातिवाद खत्म हो जाएगा या और यहाँ तक यहाँ क्राइम होना शुरू हो जाएंगे कि शादी की और ले जाके फिर मार कूट के फेंक देंगे? मुझे तो नहीं लगता कि शादी करने से जातिवाद खत्म होगा, क्योंकि कितने लोग शादी करेंगे अन्य कास्ट में, हर कोई तो नहीं कर पाएगा ना, कहें कि 100 में 10 लोग ऐसे होंगे जो अन्य कास्ट में शादी कर सकते हैं, तो फिर कैसे जातिवाद खत्म हो सकता है? उनको भी तो लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल निकाल देते हैं, बोलते हैं तुम इस कास्ट से शादी की हो जाओ, उसी के साथ रहना, घर कभी वापस पता ना, ये चीजें होती है। तो रही आज ये हमारे साथ दो मेहमान तरंग न्यूज पर, और सबसे खास बात ये थी कि आप लोग लगातार काम करते आए और ऐसे काम करते हैं जिस पर अगर बात की जाए तो वो रिश्वत की बात जब होती है तो आप लोग ऐसा नहीं करते, जिसके चलते आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता है बार बार। बड़ा मासूम चेहरा दीदी का देखिए, ऐसा लग रहा है कि आज ही डांट खा के आई है, ये महसूस हो रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या है, विभागीय अभी कोई एक्शन लिया नहीं गया है, तो मुझे डर है कि जिला सीओ ने तो आदेशित करी, अब जनपद से क्या होगा, जब तक देखिए सामने वाला उंगली किया है, देखने की धमकी दिया है हम लोगों को, तो देखिए कहीं ना कहीं घर परिवार वाले हैं तो उसका तो हो गया। देखने का धमकी दिया है तो आग नहीं लगा देगा घर में, ना ही आपको गोली कांड करवा देगा, क्या पता। इस पूरे मामले पर हम भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, सीओ साहब से भी बात करेंगे, और आपके जो जिला जनपद अध्यक्ष हैं हम बात करेंगे विशेष उनसे भी कि ऐसी अगर कोई समस्या आ रही है तो आप इस पर जो है शिकंजा कसने की कोशिश करिए, नहीं तो महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर महिलाएं कैसे बढ़ पाएंगी। एक तरफ सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, दूसरी तरफ आप महिलाओं को इतना दबा रहे हैं, तो ये तो भी देखिए गलत बात। मेरा अगर देखा जाए रवि भैया, तो इतने बड़े कोरोना काल के कहर में मैं प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के, आपने 3 अवार्ड बताया कि हम 3 अवार्ड हमें मिल चुके हैं, 3 बार हम अवार्डेड हैं, इससे हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम जनता को भेज देंगे। मैं कलेक्टर रविंद्र चौधरी सर के हाथों 15 अगस्त और 26 जनवरी को उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्डेड थी। मेरी पोस्टिंग मधुरे कोविड केयर में थी, जहाँ लोग अपनों से दूर भागते थे तो वहाँ मैं उनके साथ रहती थी जो केस हैंडल नहीं हो पाते थे, और मेरे उस टाइम पे बीएल मिश्रा सर मेरे सीएमएचओ थे, तो मुझे उन लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा। दीदी, कोरोना को लेकर के 2 संदेह था लोगों को भी और मुझे भी, कि क्या सच में कोरोना था? देखिए मर्ज तो था, कोरोना तो था, लेकिन मौत जो हुई वो कोविड के कारण नहीं, डर से हुई, जो डर अंदर से डर था, क्योंकि मैं खुद कोरोना की चपेट में आई थी, लास्ट में आई जब कोरोना खत्म हो गया, उस मतलब मैं भी आया मात्र का, तो मेरी ये स्थिति हो गई थी कि मैं बोल नहीं पा रही थी, हमारा जम्मन से हालत है। आपने देखा होगा कि यंग बॉडी कोई नहीं मरा कोरोना से, जिनका इम्यूनिटी पावर अच्छा था तो उनमें से कोई नहीं मरा, अक्सर शुगर के पेशेंट हार्ट के पेशेंट ही मरे। मन में जो बैठा लिया मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ मैं मर जाऊंगा, उन्हीं लोगों की मौत हुई है, बाकी तो नॉर्मल व्यक्ति कोई नहीं मरा। नहीं, संदेह इस चीज का होता है, आप भी सुनिएगा इस बात को कि आप कोरोना काल से हैं, आप भी कोरोना काल से ही, किसी को मैंने अपने नजरों के सामने मरते नहीं देखा कि अगर जैसे रोड पे जा रहा है उसको कोरोना है वो मर गया हो, या फिर मान लीजिए कि एक्सीडेंटल नहीं, कोरोना से विशेष बात आती है तो, या फिर हमारे घर में ही जो रहे होंगे तो उनकी भी मौत नहीं हुई, वो हॉस्पिटल में जाके ही सब क्यों मरे,
देखिए हॉस्पिटल बचाने के लिए होता है, मरने के लिए नहीं होता है। एक व्यक्ति की भी अगर देखा जाए तो घर में मौत नहीं हुई कोरोना से। देखिए क्या है कि अपन जब घर में रहते हैं, आप घर की बात कर रहे हैं, तो मैंने काफी टाइम मेडिकल डिपार्टमेंट में काम किया है और मैंने जो वहां देखा है, क्योंकि मेरा पद बहुत छोटा था, मुझे कलेक्टर रविंद्र चौधरी सर ने सपोर्ट स्टाफ, मेरे पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं था, मैं 3 महीने निशुल्क सेवा की थी, तो कलेक्टर सर बोले कि कितने दिन आप इतने काम करोगी, मैं तुमको, तो मैं बोली सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं, तो उन्होंने एज अ सपोर्ट स्टाफ मुझे पोस्टेड किया था। तो वहां देखिए क्या है, जब अपन परिवार में रहते हैं, मम्मी हो गई, पापा हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, इनसे अपन हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। अब वहां तो इतने सारे पेशेंट रहते हैं कि सबके साथ तो हम नहीं रह सकते भाई, एक कमरे में, या उस टाइम पे आपने भी देखा कितनी गर्दिश थी। बिल्कुल। तो जब हम अकेले पड़ जाते हैं और हमारे अंदर निगेटिव आ जाता है, नहीं हम मर जाएंगे, अब हम नहीं बचेंगे, नहीं हम मर जाएंगे, हम नहीं, ये ऐसे में तो इंसान घर के अंदर भी सोचता था तब भी नहीं, तो वहां पे जब घर में रहते थे तो किसी ना किसी से अपनी बातें शेयर कर पाते थे, क्योंकि वहां तो कोई घर का मेंबर तो रहता नहीं था, और जो लिमिटेड स्टाफ ही थे, कोविड में देख रहे थे कितने सारे कोविड सेंटर बनाए गए थे, कितने आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, वहां भी जो कोरोना वाले थे एक साथ सब रहा करते थे। नहीं, उनका चेंज दूरी डिस्टेंस था, ठीक है, फिर भी बातें होती थी आपस में, तो वो एक ही जाति के हो गए ना कोरोना वाले, तुका करोने हमका करोना, वो मर जाए तू मर जावे, तो वहाँ पॉजिटिव तो था नहीं कुछ, सारा निगेटिव ही था, और ज्यादातर जो हार्ट पेशेंट थे जिनको सांस लेने में दिक्कत पहले से थी, उन्ही लोगों की डेथ हुई है, ये आपने देखा होगा। नहीं, समस्या तो कुछ ऐसे ही थी, और चूंकि सर्दी जुकाम था, गला ये जो या अपना जब सांस लेने में दिक्कत होगी और निगेटिव थॉट रखेंगे तो ऑलरेडी और ज्यादा हो जाती है, ऐसे ही लोग मरे हैं। मैं ये नहीं मानती कि स्वास्थ्य विभाग की गलती थी, हम लोग हम या स्वास्थ्य विभाग जो भी था जहाँ के भी थे, उन्होंने भरजोर कोशिश की है अपने परिवार को छोड़ के, मैं खुद 3 महीने अपने बच्चे से दूर रही और ऐसे ही सब लोग रहते थे परिवार से दूर, बच्चों से दूर, तो किसी को मारने के लिए तो कोई रहता नहीं है, तो इसलिए आपका कहना संघ का जो है इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, मेरा ही नहीं बल्कि जनता का भी ये था कि आखिर मैं जनता क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वहाँ जो विभाग में 2-4 लोगों की मैं बात नहीं करती। नहीं, ये चीजें थी कोरोना काल में कि मैंने देखा कि डॉक्टर जो है कौन सा किट कहते थे जो पहन के पीपी किट, तो जो पीपी किट जो पहन के आते थे तो पूरा फाइनली अपने आप को कवर कर लेते थे, लेकिन जो मरीज था तो उसकी बेटी उसका इलाज करवाते, उसके साथ रहा करती थी, तो कोई उसका रिश्तेदार रहा करता था, उनको भी उनको कोरोना नहीं होता था, और डॉक्टर डरते थे कि मुझे हो जाएगा। मैं खुद मौजूद था, मैंने इतनी सारी बॉडी दिलवाई जिनको पॉजिटिव कह देते थे, निगेटिव कह देते थे, ये भी हमने वहां पर कई सारी हमने खुद बॉडी दिलवाई थी उस टाइम पर, हम लड़ाई करते थे कि अगर इसको नहीं है तो आखिरी बार दे तो दो कि भाई माँ बाप इसके संस्कार कर लें। देखिए जी, एक्चुअली क्या है, इन्फेक्शन की बीमारी थी, डॉक्टर 10 पेशेंट के पास जाता है तो उसके लिए पीपी किट तो अनिवार्य था, और जो बेटी होती है या पति होता है या माँ बाप होता है, पहला तो वहाँ आइसोलेशन वार्ड में नॉर्मल कोविड पेशेंट के साथ भी नहीं रहने देते थे, आप कह रहे हैं तो मैं आपको, मैंने देखा थे वहाँ सब लोग मेरे साथ में, क्योंकि जब ये वाला हॉस्पिटल के जो लास्ट वाले में उनको दिया करते थे इलाज के लिए, वहां पर जो रूम था लास्ट वाला अंदर बिल्कुल, यानी अगर उधर पीछे वाले गेट से बात की जाए तो फर्स्ट में घुसते टोटल कोरोना के लिए दिया गया था, आपको याद होगा आइसोलेशन से। हाँ, तो वहां पे जब मैं खुद ही गया था तो मैं देख रहा था कि डॉक्टर से ज्यादा तो आखिर में उनके पेरेंट्स अगर बीमार है, तो जो बच्चे थे वो देख रहे थे, जो महिलाएं थी वो देख रही थी, और बिना मास्क लगाए देख रही थी, परेशान हो चुकी थी लगता है मास्क से, ऐसा कुछ मास्क से परेशान नहीं, एक्चुअली क्या होता है कुछ लोग जबरदस्ती का भी करते हैं, फिर जब हम रोकने की कोशिश करते हैं, कोई भी विभाग हो, बदनाम तो हर विभाग होता है, जैसे मैं सच का साथ दे रही, आप जिला पंचायत में ही देख लीजिए, जो लेते हैं तो उनके साथ तो विवाद नहीं होता, मैं नहीं लेते तो मेरे पलट बरसती है, तो वहां भी अटेंडर जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती। आप तरंग न्यूज में जब कभी कभी आपके पास भी केस आता होगा, वो ऑथेंटिक नहीं रहता होगा, झूठा केस रहता होगा, आप बोलते होंगे नहीं मुझे साक्ष्य सही दीजिए, तो फिर आपको भी गाली देते होंगे, तो वही स्वास्थ्य विभाग में नहीं, मैं मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैंने किसी की खबर चला दी है, जैसे कोई आरोपी है मैंने उसकी खबर चलाई, उसके नीचे गालियों की बौछार लग जाएगी, पत्रकार पैसा लिया है, ये पत्रकार झूठ बोल रहा है, ये पत्रकार ऐसा कर रहा है, ये चीजें होती हैं, जैसे आप अगर सच का साथ दे रही हैं तो आपको भी गालियां ही मिल रही हैं, तो इससे ये नहीं कहा जा सकता, अगर वहीं पर हमने खबर ना चलाया होता दबा देते, ये बहुत सारे ऑफर आते हैं कि भैया खबर डिलीट नहीं कर देंगे, हमसे पैसे ले लीजिए, ये है, तो मेरा ऑप्शन ही नहीं रहता डिलीट का, मैं पहले ही बता देता हूँ कि एक बार जो मेरी खबर चल गई
चल गई, उसे गूगल डिलीट कर सकता है, यूट्यूब डिलीट कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। ये चीजें होती हैं, देखिए भरोसा होता है जनता का। देखिए हमारे यहाँ समाज में विभिन्न जैसे लोग हैं, तो वहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो जबरदस्ती घुस जाते हैं, तो विभाग भी कितने लोगों को ताकेगा, पेशेंट को ताकेगा कि अटेंडर को ताकेगा कि पत्रकार को ताकेगा कि डॉक्टर को ताकेगा, तो वहाँ पे देखिए किसी को पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, स्वतंत्र है ना अपना देश। जी जी जी। और रही बात आपके डिलीट करने की जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपके निष्पक्ष सच को ही जान के यहाँ आई थी कि मैं आपकी न्यूज वगैरह देखती थी, और निष्पक्ष कनिष्क तिवारी चलाते थे या आप ही चलाते हैं? ये तो देखिए आपका सहयोग है, आप सभी का। तो हमारा आज का जो ये एपिसोड था, आप सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों के उस बहादुरी पे था कि आप जैसे महिलाएं जो है लगातार सामने आती हैं, काम करती हैं ग्राम पंचायत में, जो मनरेगा का जो काम होता है उस पर अगर मजदूरी नहीं मिलती आपको या मजदूरी का काम नहीं मिल रहा आपको, उस टाइम पर आप साथ देने के लिए जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर होता यह है कि आप सभी के साथ अभद्रता होती है। अगर आप लोग इनको सहयोग करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत में जब आप जाएं तो अंदाजा लगाइएगा इस बात का कि अगर आई हैं तो कम से कम महिला का सपोर्ट करें। खासकर हम दो चेहरों की बात करें, हम सबको तो जानते ही नहीं, लेकिन खासकर दो चेहरे जो आपके सामने थे। दूसरी बात ये कि एक महिला को दबाने का कोशिश आप कर रहे हैं, तो सीधे तौर पे ये भी देखा जा सकता है कि आपके घर की भी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिस तरीके से उन्हें आप समझते हैं, अपनी बेटी को पढ़ाने का कोशिश करते हैं कि आगे कुछ पढ़ पाए, तो जो बढ़े हैं आगे इनका पांव काटने की कोशिश ना करें। इस पूरे मामले पर हम भी जिला सीईओ जनपद के सीईओ से बात करेंगे हम, और साथ ही साथ वहां जनपद अध्यक्ष यानी कि धर्मेंद्र परिहार, उनसे भी बात करेंगे कि आजकल बीजेपी के नाम पर लोगों का ये जो धमकियां हैं कुछ ज्यादा ही आने लगी हैं। इस पर भी फोकस करने लायक है कि बीजेपी को या तो बदनाम कर रहे हैं या पट्टा पहनकर सिर्फ धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बने रहे, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद। अरे अरे कहां जा रहे हैं, आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा। आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।